हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग विद पूनम डीआईवाई हैक्स। फ्रेंड्स, आज जो रिव्यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये पॉट। और ये पॉट है एक सुराही, और मैं आज आपसे इसी पॉट के बारे में यानी सुराही के बारे में बात करूँगी। मैं चाहती थी कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इस चीज़ के बारे में जाने, और ये चीज़ सब जानते होंगे बस इसका वो यूज नहीं करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इसी के बारे में। ये है एक सुराही। इस सुराही की जो हाइट है तकरीबन 2 से 2.25 फीट है और काफ़ी बड़ी है। इसमें देखिए, मैं इसे यहाँ रख लेती हूँ और थोड़ा सा कैमरा भी घुमा देती हूँ। ये सुराही भी मैंने अपनी सिटी से परचेज की है। आप सभी के सिटी या गांव में रोड के किनारे आजकल मटके, सुराही और पता नहीं क्या क्या चीज़ें सेल होती हैं, तो ये सुराही भी मैंने वहीं से ली है। और ये सुराही मुझे बहुत पसंद आई। इसका जो ये शेप है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक फ्लावर पॉट की तरह लगता है। और मुझे ना, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो ये मुझे सुराही के साथ साथ एक फ्यूचर फ्लावर पॉट भी नज़र आ रहा था, कि जब ये इसमें पानी ठंडा नहीं रहेगा तो मैं ये फ्लावर पॉट की तरह यूज़ करने वाली हूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन करके ये बहुत सुंदर लगेगा। फ्लावर पॉट तो मैं बाद में बनाऊंगी, फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं। इसकी जो हाइट है 2.25 फीट के आसपास है, और ये मिट्टी की बनी हुई है। इसके अंदर पानी बहुत चिल रहने वाला है, क्योंकि इस टाइप की जो सुराही होती है ना, उसमें पानी बहुत ज़्यादा चिल रहता है। और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है, नॉर्मल मटके से तो ये ज़्यादा सुंदर लगती है। और ये देखिए, एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारी आर ओ में लगा रहता है, ऐसा एक नल भी दिया हुआ है, जिससे कि आपको इतनी लंबी सुराही में से पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ये नल खोलना है और आराम से आप पानी भर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में जो पानी ठंडा रहता है, उसका डिस्क्रिप्शन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये मिट्टी के बर्तन हमारे सदियों से यूज होते आ रहे हैं। जब हमारे घरों में फ्रिज भी नहीं होते थे, तब से पानी इन टाइप के घड़े या सुराही में ठंडा किया जाता था। हालांकि आजकल हम भूल गए हैं। फ्रेंड्स, मैं भी एक सुराही ले आई, जिससे कि जो हम पुराने ट्रेडिशनल बर्तन भूल चुके हैं उनको याद करके मैं एक ये सुराही ले आई हूँ। लेकिन असली वजह ये है कि मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती, क्योंकि मेरी नोज ब्लॉक रहती है, इसलिए मैं फ्रिज का पानी अवॉइड करती हूँ। फिर भी आप गर्मियों में नॉर्मल पानी तो नहीं पी सकते, क्योंकि नॉर्मल पानी काफ़ी गर्म हो जाता है। तो ये मिट्टी के बर्तन ज़्यादा सही रहते हैं। जब आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो आप फ्रिज की जगह पे आप मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करें। फ्रिज की जगह पे अगर मिट्टी के ये घड़े या सुराही का पानी पियेंगे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो मैं भी यही सोच के लाई हूँ। चलिए अब इसकी कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। इसको जब मैंने पूछा था कि ये कितने की है, तो उन्होंने ये 350 रुपीज़ की बताई, 350 रुपये की, क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान लिया था तो मुझे ये 300 रुपीज़ की लगा दी उन्होंने। वैसे वो 350 से ये कम नहीं दे रहे थे, देखा जाए। फिर भी फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता, नॉर्मल मटका 100 to 200 और डिपेंड ऑन साइज, कि वो किस साइज का है उसके हिसाब से आ जाता है। लेकिन ये मुझे 300 रुपीज़ की पड़ी है। एक तो इसका साइज यूनिक है, ऊपर से ये नॉर्मल घड़ी की तरह नहीं है, जो टेराकोटा पॉट आते हैं बिल्कुल उसकी तरह ये स्मूथ है। मे बी ये टेराकोटा जैसा पॉट ही हो, लेकिन ये ऊपर से बिल्कुल टेराकोटा लग रहा है। तो हो सकता है इसकी वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, क्योंकि ये नॉर्मल मटके ये सुराही की तरह बिल्कुल नहीं है। ये काफ़ी, देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, ये काफ़ी देखिए चिकनी है, बिल्कुल जो टेराकोटा पॉट मार्केट में बिकते हैं वैसे ही है। शायद ये टेराकोटा की हो, लेकिन ना इसके अंदर जो मैं टच करके देखती हूँ तो ये घड़ी की तरह ही है, अंदर से बिल्कुल चिकनी नहीं है। तो अंदर ये आपका पानी अच्छे से ठंडा करने वाली है, और काफ़ी बड़े साइज की है। और ये देखिए कितनी सुंदर डिजाइन है, और इसकी डिजाइन ना मुझे बहुत पसंद आई थी। एक और इससे थोड़ी सी छोटी थी, जो मुझे वो 250 रुपीज़ की दे रही थी, लेकिन मुझे इसकी डिजाइन पसंद नहीं थी। मैंने कहा भाई इसी के पैसे ठीक लगा लो, मुझे इसी को ही ख़रीदना है, क्योंकि इसकी डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये फ्यूचर में अगर मेरे बच्चों से ये बच गई, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत तूफानी हैं, घर की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें टूट फूट चुकी हैं, जो भी लाती हूँ कुछ ना कुछ टूट ही जाता है, अगर उनसे ये बच गई तो मैं फ्यूचर में इसको फ्लावर पॉट बना लूँगी। अगर ये बच गया, मेरे ये ट्विन वन काम करेगा, एक फ्लावर पॉट की तरह भी काम आ जाएगा और ये पानी भी ठंडा करेगा।
और हेल्थ बेनिफिट्स तो फ्रेंड आप जानते हैं, अगर मिट्टी के बर्तन में आप कुछ भी खाते पीते हो तो आपको वो नेचुरल फ्लेवर भी देते हैं, साथ में आपकी हेल्थ को भी ठीक रखते हैं। फ्रिज का पानी जो आपकी हेल्थ को नुकसान करता है उससे भी बचाते हैं कि आपको ठंडा पानी भी मिलेगा लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स के साथ मिलेगा। तो आप इस टाइप के घड़े या सुराही परचेज कर सकते हैं। तो इसे मैंने अपनी सिटी के रोड के साइड से परचेज किया है। हर एक सिटी में ये रोड साइड पर बहुत सारे मटके, घड़े, स्टैंड और बहुत सारी पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ बेचते हैं लोग, तो आप भी परचेज कर सकते हैं। और ये सुराही मुझे 300 रुपीज़ में मुझे रीजनेबल लगी है, क्योंकि ये नॉर्मल घड़े से अलग है। मे भी हो सकता है मुझे थोड़ी कॉस्टली भी पड़ी हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मुझे इसके रीजनेबल प्राइस लगते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये प्यारी सुराही पसंद आई हो और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, बेल बटन ज़रूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अनबॉक्सिंग रिव्यूज और डे बाई हैक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।